अखेर 7 वर्ष 3 महिन्यांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील 4 दोषींना पहाटे 5:30 वाजता फासावर चढवण्यात आलेला आहे. पहाटे 5:30 वाजता तिहार जेलमध्ये त्या चौघांना फाशी देण्यात आली आहे. 7 वर्ष 3 महिन्यानंतर निर्भयाला न्याय मिळालेला आहे. फासावर चढवल्यानंतर तिहार जेल बाहेर एकच जल्लोष पाहायला मिळालाय. पवन जल्लाद यांनी मुकेश सिंग, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय कुमार सिंग यांना सर्वांना फाशी दिलेली आहे. त्यानंतर डॉक्टरांनी चौघांनाही मृत घोषित केलंय आणि यानंतर 6:20 त्यांचे मृतदेह फासावरून उतरवण्यात आले आणि दिल्ली पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या चौघांचेही दीनदयाळ उपाध्याय रुग्णालयामध्ये पोस्टमार्टम पार पडणार आहे. दरम्यान उशिरा का होईना आम्हाला न्याय मिळाला अशा शब्दात निर्भयाच्या आईनं आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. तर या 4 दोषींना फाशी दिल्यानंतर तिहार जेल बाहेर जमलेल्या उपस्थितांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केलाय. एकाच वेळी 4 आरोपींना फाशी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आताच्या घडीची सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची बातमी आपण बघतोय. तिहार जेल बाहेरची ही दृश्य आहेत. निर्भयाला न्याय मिळाल्याची भावना इथं प्रत्येक जण व्यक्त करताना पाहायला मिळतो. देखिए, फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है. ये आज 7 साल का संघर्ष था. ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पे लटकाया गया है. ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था. आज पहली बार उसको इंसाफ मिला. आज का दिन 20 मार्च है. आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला. मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी. मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल गया. जो मैंने उसको इस दुनिया में लाई थी मैं बचा नहीं पाई, लेकिन उसको इंसाफ मिला और मेरा जो एक ममता का, माँ का धर्म होता है आज पूरा. जब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा. तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भी. जब घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी, आंख खोल कर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए. तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की जरूरत है. तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फर्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो. आपने दो बच्चे अगर बेटा या बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है. जिस तरीके से निर्भया के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ था, उस दिन से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस सिस्टर को मैं न्याय दिला करके रहूँगी. भले ही मैं शुरू में नहीं जुड़ी, लेकिन मैं थोड़े दिन बाद ही जुड़ी, लेकिन प्रोटेस्ट में मैं हमेशा से रही और मैंने जो डिसाइड किया था आज वो मैंने पूरा करके दिखाया. तो इस चीज़ का मुझे सेटिस्फेक्शन है. ये समाज हमसे बना है. जितना ही इस समाज की दकियानूसी रिवाजों का हम सामना करके आगे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे. जैसे निर्भया के पेरेंट्स आए, उन्होंने अपनी बेटी का भी नाम डिस्क्लोज किया मीडिया में, तो जो हीनियस क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है और जिनके साथ, जो विक्टिम फैमिली है उनका सपोर्ट में आने की सभी को ज़रूरत है. और उन परिवारों को मैं एक ही मैसेज दूंगी, बेटी भी आपके परिवार का सदस्य है, इज्जत उसकी नहीं जाती है. इज्जत इस समाज के उस घटिया सोच की जानी चाहिए जो ऐसी बेटियों के साथ इतनी बर्बरता करते हैं. तो उनको खुल करके सामने आकर के कलेक्टिवली लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी बेटियों के लिए. ये सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज आएगा डिटरेंस का, कि जो जैसा, जो इस टाइप का केसेस करेंगे उसका फाइनल अंजाम इस टाइप का होगा. तो एक डेटरेंस के तौर पे इसको देखा जाएगा सोसाइटी में, जो इस टाइप का काम करते हैं या ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको एक सबक मिलेगा. ये बात फैक्ट है कि जब प्रेशर होता है तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं. लेकिन एक बात ठीक है, जो 16 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ था रात को, तो 17 के दोपहर तक ना ही कोई प्रोटेस्ट था. उस टाइम तक ऐसा कोई, ऐसा नहीं था कि पब्लिक आउटब्रस्ट की वजह से पुलिस ने कोई ज़्यादा कोई काम किया हो.
रात से ही इस केस की ग्रेविटी को जिस ढंग से ये केस हुआ था और जो इसके जिस ढंग से बताया गया था हमें उसके द्वारा जो इसका लड़की का जो एसोसिएट साथी था जो, तो उसके बताने के बावजूद हमें ये पता लग गया था कि केस एक सेंसेशनल केस है और उसमें जो है हमें अपने पूरे एफर्ट्स जो है वक्त रहते हुए कर देने चाहिए एज ए पुलिस ऑफिसर। यस, एज ए पुलिस ऑफिसर जब आप कोई मेहनत से काम करते हो, दिल से काम करते हो और उसका रिजल्ट इस टाइप का होता है तो डेफिनेटली हमें तो महसूस तो होता है कि चलो एक अंजाम तक एक चीज़ हमने पहुँचे, एक चीज़ स्टार्ट की थी और उसका अंजाम जो है हमारे हिसाब से ठीक रहा। ताजा घडामोडींसाठी साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि फेसबुक आणि ट्विटरवर देखील आम्हाला फॉलो करा।